गया जिले के टिकारी प्रखंड के रानीगंज के रहने वाले ईट भट्टा संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि एक महिला के साथ अवैध संबंध होना उसकी मौत का कारण बना। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महिला ने अपने एक साथी और पति के साथ मिलकर ईट भट्टा संचालक का गला दबाकर हत्या कर दिया। हत्या 15 नवंबर की रात कर दी गई थी। सिटी एसपी ने बताया कि रानीगंज के रहने वाले ईट भट्टा संचालक सतीश शर्मा 15 नवंबर की शाम को लापता हो गए थे। वो घर से मोटरसाइकिल से निकले थे। संबंधित मामले में उनके परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज भेज कर 30 लाख रुपए फिरौती की मांग भी की गई थी। इस मामले पर पुलिस टीम और भी तेजी से सक्रिय हुई। सिटी एसपी ने बताया कि भट्टा संचालक का कॉल डिटेल खंगाला गया तो उसमें मंजू देवी की अंतिम कॉल मिली। इसी के आधार पर पुलिस ने मंजू देवी के घर पहुंची और उसके पति को हिरासत में लेकर मंजू देवी से पूछताछ की गई तो उसने सारा अपराध कबूल कर लिया। सिटी एसपी ने बताया कि उसने खुद के साथ अवैध संबंध की बात स्वीकार करते हुए घर के अन्य सदस्यों पर भी खराब नियत होने का हवाला देते हुए ईट भट्टा संचालक की हत्या किए जाने की बात महिला ने स्वीकार कर ली। पुलिस ने इस मामले में महिला के एक साथी सतीश मिश्रा और बोलेरो चालक को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 3 अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया है।